इस वक्त हम बिहार के एक ऐसे स्कूल के सामने खड़े हैं जहां के आपको बता दें कि हर साल जो बच्चे हैं बिहार बोर्ड में वो टॉपर बनते हैं। जी हां, इस वक्त हम जमुई के सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के सामने खड़े हैं जहां पर इस साल भी देखा जाए तो 5 बच्चे टॉपर बने हैं। हालांकि देखा जाए तो जमुई में टोटल 6 बच्चे टॉपर बने हैं, लेकिन इस विद्यालय से 5 बच्चे टॉपर बने हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि बिहार का एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहाँ के बच्चे हर साल टॉपर बनते हैं। तो चलिए विशेष हम यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के प्रिंसिपल है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या कारण है कि सर यहाँ के जो बच्चे हैं हर साल अगर देखा जाए तो बिहार बोर्ड में टॉपर बनते हैं? बच्चे मेहनत करते हैं, लगातार अध्ययन करते हैं, समूह में अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और हम लोगों का मार्गदर्शन उन्हें मिलते रहता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या कुछ अलग है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बच्चे हैं हर साल टॉपर बनते हैं, वहीं अगर संसाधन की देखा जाए तो काफ़ी सारे कमी है क्योंकि पहाड़ी इलाका है? नहीं, ऐसा नहीं है। संसाधन से आपका तात्पर्य क्या है? संसाधन में तो बच्चों को शिक्षक मिलना चाहिए, वो मिल रहे हैं, बच्चों को पुस्तकें मिलनी चाहिए, वो मिल रही हैं, और भवन तो है, क्लासरूम है, संसाधन है, और बेहतर हो सकता है, लेकिन संसाधन। और ये भी है कि संसाधन ही आपके परिणाम को प्रभावित हमेशा नहीं करता, आपकी मेहनत आपका परिणाम देता है और ये यहाँ के बच्चे बार बार साबित कर रहे हैं कि मेहनत से वो परिणाम हासिल कर सकते हैं। सर, ये बताइए कि यहाँ पर क्या कुछ अलग पढ़ाया जाता है क्योंकि बहुत सारे क्लास हैं, मतलब इस बार अगर देखा जाए तो ऑफलाइन क्लास बहुत ही कम चल सका, इसके बाद भी बच्चे टॉपर बने हैं। देखिए, ऑफलाइन क्लास तो कम चला, इसका प्रभाव हमारे परिणाम पर थोड़ा सा हुआ है कि जितने टॉपर्स होने चाहिए नहीं हो पाए, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों ने अच्छा किया। चूँकि हमारे बच्चों का प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा है, हमारे 119 में से 118 बच्चे जो हैं वो 80% से ऊपर नंबर लाए हैं और लगभग 90 बच्चे जो हैं वो 90% से ऊपर नंबर लाए हैं, 108 बच्चे। तो प्रतिशत अंकों का काफ़ी अच्छा है और इसके लिए बच्चों का जो वो स्वाध्याय है और सामूहिक, एक लेवल के बच्चे हैं, छात्रावास में रहते हैं, एक दूसरे की ताकत, एक की ताकत दूसरे की कमजोरी, दोनों मिल के दोनों की ताकत बन जाती है, तो मिल के जो अध्ययन करते हैं उसका असर पड़ता है। क्या कारण है कि सर बाकी भी बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं लेकिन वहाँ के बच्चे इतने टॉप नहीं करते हैं? आप लोग कितना मेहनत करते हैं बच्चे के प्रति? देखिए, ऐसा है कि बाकी के स्कूलों का अगर आप देखें तो अधिकांश डे स्कूल हैं जी, और डे स्कूल में क्लासेस के बाद टीचर और स्टूडेंट का काम खत्म हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं जी। लेकिन हमारे यहाँ आप देखेंगे कि अभी भी 4-5 बजने को हैं लेकिन हमारे छात्र परिसर में हैं और शिक्षक उनके आसपास घूम रहे हैं जी। तो ये जो अनौपचारिक इनफॉर्मल सेटअप मिलता है उनको कि कभी भी कहीं भी किसी भी शिक्षक से वो सहायता प्राप्त कर सकते हैं, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे की समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो ये छात्रावास में रहने का लाभ है और प्लस ये आवासीय व्यवस्था का लाभ है जो कि बच्चों को समस्या जो है वो ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है, वो तुरंत ख़त्म हो जाती है। अब डेली स्कूल जो हैं तो उसमें क्या है कि आज अगर बच्चे घर चले गए, कोई समस्या हुई तो कल ही उनका समाधान होगा जब वो शिक्षक से मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ है कि आज अगर अभी बच्चों को कोई समस्या हुई है तो अगले 10 मिनट में वो किसी न किसी शिक्षक से उसका समाधान कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ पर कहाँ कहाँ से लगभग बच्चे आते हैं? क्या जमुई के ही बच्चे रहते हैं या फिर बिहार के अलग अलग जिलों से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? ये विद्यालय जो है मिनी बिहार है, इसमें 3800 जिलों के बच्चे हैं जी। और जमुई का जहाँ तक सवाल है तो मुश्किल से प्रत्येक वर्ष 1-2 बच्चे आते हैं, यानी कि हर साल टॉपर बनते हैं? नहीं नहीं, जमुई जिला से मुश्किल से 1-2 बच्चे आते हैं जी जी। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो पूरे बिहार के हैं, यहाँ पूरे बिहार के हैं, तो ये मिनी बिहार। अंत में जो भी बच्चे इस बार सफल नहीं हो पाए हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? नहीं नहीं, सफल तो हमारे सारे बच्चे हैं, सफल तो सारे बच्चे हैं, लेकिन अगर आप टॉपर्स की बात करते हैं तो कोई बात नहीं है, वो आगे की परीक्षा में फिर से वो सफलता प्राप्त करेंगे, इसका पूरा विश्वास है। 1-2 नंबर से आगे पीछे सारे लोग हैं लेकिन मेधा में किसी की कोई कमी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे साथ जमुई के सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल सर बात कर रहे थे, आपको बता दें कि यहाँ से लगभग हर साल जो बच्चे हैं वो बिहार बोर्ड में टॉपर बनते हैं क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने का जो तरीका है वो काफ़ी अलग है। इस तरह से अगर बिहार के बाकी सारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है बच्चों को तो वहाँ से भी टॉपर बनेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहें हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।